जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पूरे भारत देश में श्री कृष्णा जन्माष्टमी का पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आज चांद कितने बजे निकलने वाला है तथा आप शुभ मुहूर्त पूजन किस प्रकार से करें। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन लोग रात 12 बजे बाल गोपाल की पूजा करने के बाद व्रत खोलते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण ने कंस के कारागृह में माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राधे, जय श्री श्याम अवश्य लिखें। इसी के साथ में आपको बता दें कि आज 30 अगस्त 2021 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 11:34 और 59 सेकेंड यानी कि 11:35 पर रात्रि को चांद निकलने वाला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने वाले को भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने तक यानी कि रात 12 बजे तक ही व्रत का पालन करना चाहिए। इससे पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। बीच में व्रत तोड़ने वालों को व्रत का फल नहीं मिलता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन स्त्री पुरुष को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने वालों को पाप लगता है। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को गाय अति प्रिय हैं। इस दिन गायों की पूजा और सेवा करने से विष्णु पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भी पशु को सताना नहीं चाहिए। मान्यता यह भी है कि जिस घर में भगवान की पूजा की जाती हो या कोई व्रत रखता हो उस घर के सदस्य को जन्माष्टमी के दिन लहसुन और प्याज या तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पूरी तरह से सात्विक आहार की ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। आज रात्रि 11:35 पर चंद्रमा निकलेगा। आप सभी उपवास खोलें, अच्छी तरह से अर्घ दें और सुबह जो भी भोजन बचता है उसको गाय को आप अवश्य खिलाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री श्याम अवश्य लिखें।